The paper or the presentation I've written is about visual pleasure representation of the third gender and fragile male masculinity in the name of the media. इसमें मैंने सबसे पहले एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है डांसिंग डॉल, इसको हाईलाइट किया. थ्रू आउट माई राइटिंग माई मेन फोकस के पाकिस्तान के अंदर औरत को लेके हमेशा दो चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, एक उसकी सेक्सुअलिटी को और एक के वो कितनी वीक है. यू विल नेवर सी अ स्ट्रॉन्ग वुमन इन अ पॉजिटिव मैनर. अगर एक औरत की सेक्सुअलिटी को दिखाते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव वे में दिखाते हैं, इसको कभी भी इस तरह नहीं दिखाते एज इट कैन बी एक्सेप्टेड और इट इज समथिंग नेचुरल. इट इज ऑलवेज समथिंग दैट इज वेरी विशियस एंड समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक अ वुमन वेरी villainous in sort of a manner. I'm going to start with dancing doll ki thodi si summary. Basically is movie mein ye hota hai ki there is this woman Anusha Abbasi ne role play ki hai jo shuru mein is tarah dikhate hain that she works as a nurse. She's not actually working as a nurse, she's actually doing prostitution. Aur wo ye isliye kar rahi hai बिकॉज उसकी एक छोटी बेटी है जिसके लिए उसको पैसे कमाने, और इसके अंदर एक ये चीज हाईलाइट करते हैं कि वेरी मेन पॉइंट जो मैंने इसके अंदर मेंशन किया है कि इसके अंदर जो मैं पॉइंट्स कर रही थी कि एक औरत को कमजोर दिखाती हैं, उसकी सेक्सुअलिटी को एक बैड वे में लेते हैं, और एक और चीज जो मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर लिखी है कि जो आदमी होते हैं ना वो दिखाते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है. Likewise, इसके अंदर the story progresses as much so के इसका एक friend होता है जिसको ये काफी ज़्यादा trust करती है, and basically he is the one who drives her जब भी इसने अपने when she has to solicit herself and meet her clients and everything. In the end, what happens is के even her best friend he breaks her trust and he asks her to sleep with her. तो ये पॉइंट इन्होंने थोड़ा सा ये भी दिखाया है कि ठीक है, ही डिड आस्क हर टू स्लीप विद हर, लेकिन सॉर्ट ऑफ एक ये चीज भी दिखाई है कि बिकॉज उस औरत का कैरेक्टर खराब था, वो प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी, तो द गाय द मैन मे बी ही इज वैलिड टू आस्क हर बिकॉज शी वॉज अ वुमन हु वाज ऑलरेडी आस्किंग एवरीबडी. आई मीन इट वॉज अ वुमन हु वाज ऑलरेडी डूइंग दिस. So maybe it was okay for him to ask her because of the woman. मतलब आदमी की कोई गलती नहीं है, या हमेशा जो है यही दिखाया गया है कि a man is always right. दूसरा मैंने comparison किया था the gender difference and the nurturing side of women comparison between मेरे पास तुम हो and बेवफा. Okay, in both of these dramas एक चीज होती है जो दोनों सिमिलर होती है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है. एक ड्रामा था बेवफा, उसके अंदर व्हाट हैपेंस इज के अली रहमान इज मैरिड टू नवीन वकार एंड ही चीट्स ऑन हर बाय मैरिंग उष्णा शाह, एंड इन द एंड ऑफ दिस ड्रामा जो नवीन वकार होती है वो उसको माफ कर देती है बिकॉज ही इज अ गाय. एंड जब मेरे पास तो मैथ है तो काफी ज्यादा एक हाइप क्रिएट हुई थी जिसके अंदर इस तरह के डायलॉग्स निकले थे कि 2% की औरत. सी व्हेन अ वुमन डज द सेम थिंग इट इज लाइक द बिगेस्ट सिन टू फॉरगिव हर, या वो बहुत ही एक खराब औरत है. लेकिन जब हमारे ड्रामा में दिखाते हैं कि एक आदमी ने चीट किया है और वो वापस आता है, वो माफी मांगता है, तो एंड में सब एवरीथिंग गोज बैक टू वेल. तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है कि एक आदमी को कभी भी आप गलत नहीं दिखाते. इन रिगार्ड्स ऑफ थर्ड जेंडर जो पाकिस्तान में थोड़ा सा शोकेस होता है उसके ऊपर देयर आर टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट एस्पेक्ट है कि दे शो के दो तरह की आप दिखा रहे हो चीजें. एक ये है कि जो मूवी बोल थी उसके अंदर शो के किसी के घर एक थर्ड जेंडर बच्चा पैदा होता है और उसको क्या फेस करना पड़ता है, उसको मार देते हैं
तो मेन हमारी अप्रोच तो पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्ट यही है, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हाईलाइट दैट देर वॉज अनदर ड्रामा दैट वॉज सॉर्ट ऑफ कमिंग ऑफ एज विच वॉज कॉल्ड खुदा मेरा भी है, जिसके अंदर दे ट्राई टू क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर द थर्ड जेंडर. सो अगर मैं मीडिया की बात करूं कि दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, लेकिन अगर मैं एक अपना पर्सनल व्यू करूं तो मैं बोल से ज्यादा साइड करती हूँ, बिकॉज अभी भी जो थर्ड जेंडर है उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं मिल रही. उसके बाद मैंने दो मूवीज का कंपैरिजन किया था एज आई वाज टॉकिंग अबाउट के जो फीमेल सेक्सुअलिटी है वो बहुत बुरी तरह से हाईलाइट होती है, एंड अगर कोई किसी मूवी में सेक्सुअलिटी हो भी तो उसमें बस ये द वुमन इज सॉर्ट ऑफ लाइक विशेस. ओके, एंड इन दीज टू मूवीज देयर इज अ ग्रेट कंपैरिजन. जिसका एक मूवी थी बी ए पास, देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रॉन्ग विद बी ए पास. फर्स्टली दे शो कि देर इज एन एल्डर वुमन हु इज ट्राइंग टू सिड्यूस और इंड्यूस्ड अ यंग मैन इन टू स्लीपिंग विद हर, एंड अगर एक औरत पावरफुल है तो उसकी और भी दो एलिमेंट दिखाए जाते हैं, और यूजली एक औरत पावरफुल दिखाई इस सेंस में जाती है कि शी इज गोइंग टू यूज द अदर पर्सन एंड शी इज पावरफुल बिकॉज ऑफ हर सेक्सुअलिटी. यू नेवर हाईलाइट कि एक औरत किसी और तरह से भी सक्सेसफुल हो सकती है. इवन इफ शी इज अ बिजनेस वूमन देयर ऑलवेज गोइंग टू बी एन एलिमेंट कि वो शी मस्ट हैव स्लेप्ट विद पीपल और इस तरीके से वो आगे बढ़ी होगी. यू वुड नेवर शो कि उसने मेहनत की है बहुत सक्सेसफुल है, लाइक यू वुड शो अ बिजनेसमैन के बहुत मेहनत की है उसने बहुत शेयर्स बेचे हैं ये किया है. सो एनीवेज आई वांटेड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू मूवीज के बी ए पास जो मूवी थी वो काफी पहले आई थी. आई कैंट एक्चुअली रिमेम्बर द ईयर, आई एम सो सॉरी, आई डिड रिसर्च इट बट राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन ये काफी साल पहले आई थी जिसमें दिस वुमन वॉज शोन वेरी विशियस, और इसके अंदर इस तरह की भी लाइन्स थी कि वो औरत भूतनी है, और इस तरह की थी कि वो सही औरत नहीं है, ये नहीं है. उसके एक कंपैरिजन में जो मुझे लगा एक मूवी आई विच डिड टॉक अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी, लेकिन उसने उसको उतना एक हॉरेंडस नहीं शो किया, विच वॉज सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड. ऑल्दो उसमें भी एक चीज थी विच जो बी ए पास में कॉमन थी विच आई हाईलाइट इन सेकेंड, डॉली किट्टी और चमकते सितारे के अंदर दे हैव ट्राइड के वो एक औरत की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें विदाउट सब्जुगेटिंग हर एज अ भूतनी. बट देर वॉज अनदर थिंग विच वॉज कॉमन विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब भी आप दिखाते हो कि अ फीमेल इज अट्रैक्टेड टू समबडी, आई डोंट नो वाई इन दीज मूवीज आर ऑलवेज गोइंग टू शो कि एक छोटा लड़का है जिसके ऊपर एक फीमेल जो है अट्रैक्शन फील कर रही है. एंड आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे थोड़ा सा पेडोफिलिया के एलिमेंट भी इन मूवीज में नजर आता है. आई डोंट नो वाई द डायरेक्टर इज मेक सच अ चॉइस. सो आई गेस मैम दैट्स इट. मैम कैन यू हियर मी? मैम कैन यू हियर मी? जी जी कैन यू हियर मी? आई एम यस सॉरी यस. जी जी मैंने नो नो आप मैम जी आई एम डन. हाँ मैं आपसे ये कह रही थी कि इट्स वेरी नाइस आई हैड स्टार्टेड टॉकिंग विदाउट रियलाइजिंग कि मैंने म्यूट किया हुआ है. मैं आपसे ये कह रही थी कि जनरली आई फील कि प्रेजेंटेशन इज नाइस एज यू हैव फाउंड फिल्म एंड यू हैव फाउंड सीन्स विच आर वेरी रेलिवेंट यू नो क्योंकि आपने उसको उसमें आपने ये कहा कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले मिसोजिनी और फिलोजिनी की डिस्कशन कर रहे थे उसमें आपने मेंशन ये किया था कि फॉर इंस्टेंस उसमें ये था कि जो मेडोना रेहना
और शकीरा, ये तीन खवातीन जो थी वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही थी, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन को सेल्फ एम्पावरमेंट और सब्जेक्टिविटी के तौर पे ले रही थी। बिकॉज मैडोना ने तो, जब फेमिनिस्ट ने मैडोना पे क्रिटिसाइज किया कि वो अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है, अपने आप को वुमन इन द ब्रॉथल के तौर पे प्रेजेंट करके, तो फेमिनिस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। उन्होंने मैडोना को ब्लेम किया था कि शी हैज ब्रॉट ब्रॉथल इन पॉप कल्चर। पॉप कल्चर इज अबाउट पॉपुलर कल्चर, कॉमन मैन, जिसको लोग जो था प्राइवेसी में रखते थे, मैडोना ने उसको लाके पब्लिक में थ्रो कर दिया बाय मेकिंग हर सेल्फ अ ब्रॉथल गर्ल इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो मैं ये देख रही थी कि ये जो अभी आपने मेंशन किया, कि आपने कहा अपनी प्रेजेंटेशन में कि वुमेन्स एम्पावरमेंट इज अबाउट हर सेक्सुअलिटी अकॉर्डिंग टू मीडिया, ठीक है, आपने डिफरेंट फिल्म सीन या मुख्तलिफ चीजों को मेंशन किया। आप कह रही थी कि आपको बीए पास का वो नहीं मिल रहा था डेट, तो मैंने आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान बीए पास लिखा गूगल पे, तो मुझे ये नजर आया बीए पास 2012, आप देख रही हैं ये लिखा हुआ आ गया। कैन यू सी दिस? आई बिलीव दिस वॉज द फिल्म यू वर टॉकिंग अबाउट, राइट? आपको नजर आ रही है मैंने? आई थिंक आई नीड टू स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. ओ या यू हैव, हाँ यू यस हैव टू स्टॉप शेयरिंग योर्स टू सी माइन, कैन यू सी इट नाउ? आई कैन हाँ, सी. एंड आई सपोज दिस वॉज द फिल्म यू वर टॉकिंग अबाउट, राइट? हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि जो मुझे आपकी प्रेजेंटेशन में स्ट्रेंथ नजर आई, वो स्ट्रेंथ ये थी कि यू कैन लुक एट वेरियस स्टोरीज एंड यू कैन फाइंड कि किस स्टोरी में वुमन को किस तरीके से एम्पावर किया गया है, एंड यू राइटफुली आइडेंटिफाइड कि जो मैडोना, शकीरा एंड रिहाना, क्योंकि आप देखें कि वर्ल्ड वाइड जितना भी दुनिया में जहां भी रेड लाइट एरिया है, उसको पुराने जमाने में जो इंडियन कल्चर था उसमें तो आपको नायका बड़ी पावरफुल नजर आती थी। जो नायका थी वो रेड लाइट एरिया में और प्रोस्टिट्यूशन की इंचार्ज हुआ करती थी, राइट? लेकिन आपको मोस्ट फिल्म्स में आपको ये नजर आएगा कि जो प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस है उसको शायद मेल रन कर रहा है। मैम, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द फैक्ट कि हर मूवी में मोस्टली ये पोर्ट्रे किया जाता है कि देयर इज अ यंगर गाय व्हिच द फीमेल इज अट्रैक्टेड टू? डू यू थिंक देयर कुड बी अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई दे डू दिस? सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? यस मैम. मैम, आई वाज सेइंग, डू यू थिंक कि देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से हमेशा दिखाती हैं कि एन एल्डर वुमन इज अट्रैक्टेड टू अ यंगर गाय? असल में बात बात देखें, ये तो जेंडर और एजिंग और सेक्सुअलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यू वुड फाइंड के मोस्टली यू विल फाइंड मेन जो के खासतौर पे जो मेल एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो यू वुड फाइंड के पीपल आर इन मैनी फिल्म्स पीपल आर लुकिंग फॉर के जी बुढ़े आदमी की शादी किसी बच्ची से हो गई, राइट? तो या किस किस्म की, तो आपको ओकेशनली आपको ऐसी भी फिल्म्स नजर आएंगी जिसमें यंगर मेल और एल्डरली वुमन नजर आएगी। तो ये दोनों फिनोमिनन तो खैर मौजूद हैं, इन फिनोमिनन को हम रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये फिनोमिनन जो है वो रियलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वेमेन हु गेट अट्रैक्टेड टू यंग मेल वुड प्रोबेबली बी लेस बाय नंबर ऑफ मैन हु वुड बी अट्रैक्टेड टू यंगर वेमेन। तो ये तो सिनेरियो है और आप उसको थियोरेटिकली देख सकते हैं, ठीक है, कि मुख्तलिफ ऑथर्स इस टॉपिक के ऊपर क्या कह रहे हैं। मैंने मैंने मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को तो क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आपसे सीनियर बैच को मैंने जेंडर एजिंग एंड सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया था कि वो एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो पर मैम आपकी एक चीज थी, जैसे हम पाकिस्तान का कल्चर देखें तो इसके अंदर भी जो मोस्टली अगर देखा जाए तो वुमेन्स जो है उनकी शादियां जब भी होती हैं तो वो अपने से बड़े मर्दों से जो है वो शादियां वगैरह करती हैं, तो हाँ या तो वो अपनी एज के अंदर और अपनी एज से कम वाले जो मर्द हैं उनको वो जो है वो सूटेबल नहीं लगते अपनी मैरिज के लिए। अच्छा, वो असल में पाकिस्तान में ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होती है ना, तो अरेंज मैरिजेस में तो फैमिलीज जो हैं दे आर लुकिंग फॉर मेल जो के सेटल हो लाइफ में, बिकॉज अगर वो स्ट्रगलिंग होगा तो फिर उनको फैमिलीज को लगता है कि स्ट्रगलिंग के दौरान उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज ही विल बी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट कि उसको खुद को सपोर्ट करना है, बीवी को सपोर्ट करना है। पीपल डू नॉट प्रिपेयर देयर डॉटर्स कि वो
इक्वल कंट्रीब्यूशन करें, तो ये कुछ चीजें भी होती हैं। और आई थिंक ये फैमिली प्लानिंग, फैमिली क्योंकि मैरिजेस डिसाइड करती है, तो फैमिलीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ओल्डर मैन। एक जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लड़की को उम्र में थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, 2 साल, 4 साल। मैम एक और कॉन्सेप्ट है, वो जो प्रेजेंटेशन है उसके रिलेटेड ही है। उन्होंने जो है, नॉर्मली हम ये भी देखते हैं फिल्म्स के अंदर के जो विलन्स का कैरेक्टर है वो नॉर्मली वुमेन्स को नहीं दिया जाता, वो मेंस को ही दिया जाता। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर भी इक्वालिटी उस तरह से जो है वो हमें दिखती नहीं है थ्रू आउट, जहां की मर्जी आप फिल्म। हाँ, आपके सिवाय एक इंडियन ड्रामा देख के, इंडियन सोप्स देख के तो लगता है कि सारी औरतें इंतहाई साजिशी औरतें हैं। और आई थिंक ये अभी एक वो पाकिस्तानी सीरीज चल रही थी हम टीवी की, जिसको बड़ा क्यूट समझा जा रहा था कि जी वो हम टीवी पे आता है, चुपके चुपके के नाम से मेरा ख्याल है, कि मैंने आप लोगों से उसका वो क्लिप भी शेयर किया था। तो वो चुपके चुपके में तो जितनी औरतें थीं वो तो हर वक्त ऐसे दुश्मनी का राग ही अलापती रहती थी इन दिस पर्टिकुलर टीवी सीरीज। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे कपल्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये वाला कपल है, ये दूसरा कपल है, तो ये एंटेगनिस्ट थी अच्छी भली। और इसकी जो दोनों दो सासें जो हैं, वो एक नवाब साहब की दो बीवियां और दो बीवियों के की टू जनरेशन जो हैं उनमें औरतें ही मोस्ट पावरफुल और नेगेटिव कैरेक्टर्स थी। तो बेसिकली आई थिंक औरतों को की नेगेटिविटी से ज्यादा मेल नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है। क्राइम का जब बात आता है तो औरतों में इतने कट्स नहीं दिखाते, और जब साजिशी वो आता है तो औरतों को साजिशी बना देते हैं। आई थिंक मीडिया ये तो करता है ऑल द टाइम। ठीक है, अच्छा आयशा, मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट चीज कहना चाह रही थी कि आपको अपना, अगर आप अपना फाइनल एग्जाम इसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रही होंगी तो यू हैव टू ऐड थ्योरी। ठीक है, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट्स थे, फिल्म को अपनी स्पाइन में ढूंढना बहुत अच्छी चीज है। और आपने जो आर्ग्यूमेंट किया कि जी सेक्सुअलिटी किस तरह कंट्रोल होती है, और फिर एजिंग का फैक्टर आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कहा कि वर्किंग वुमन को या स्ट्रांग वुमन को तो सीधा भूतनी ही बना देते हैं, राइट? तो उसकी एजुकेशन को नेगेटिव समझा जाता है, उसकी जितनी भी एम्पावरमेंट होती है चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो या वर्क के थ्रू हो, इस तमाम चीजों को नेगेटिव लिया जाता है। तो इन तमाम, ये तमाम वो आइटम्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसपे पीपल हैव ऑलरेडी रिटन अ लॉट, राइट? तो आई वुड से कि जो चीजें आप कह रही हैं उसको आप रिटन जो पास्ट आर्ग्यूमेंट है, पास्ट लोगों का है, उसे सपोर्ट करिएगा। दैट विल इम्प्रूव योर फाइनल एग्जाम ट्रिमेंडसली। और ये जो कोर्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टूडेंट्स कैन यूज थ्योरी फॉर डिस्कशन। ठीक है मैम, इसके अंदर एक और एलिमेंट भी ऐड करना करूंगी, जो मैंने ना थ्रू आउट माय पेपर, इफ यू रीड इट, मैंने थोड़ा सरकास्टिक होके लिखा है कि फ्रेजाइल मेल मैस्कुलिनिटी नेवर गेट हर्ट्स। इन रेफरेंस टू दिस आई वुड लाइक टू से, जिस तरह अगर आप चुपके चुपके की ही बात करें तो उसमें ये जरूर दिखाया है कि जो दो बीवी हैं वो लड़ती रहती हैं, दे हेट ईच अदर, लेकिन ये बहुत सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड है कि उसने दो औरतों से शादी कर ली, तो ही इज नॉट एट बैड प्लेस। सो मैं ये चीज भी हाईलाइट फर्दर करना चाहूंगी अपने फाइनल में, कि जो एक आदमी है समहाउ लेफ्ट राइट करके उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं नो मैटर व्हाट। आपकी बात बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसको जस्टिफाई करने के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, तो आई वुड से कि जो कुछ आपके जहन में, दिमाग में आपके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, विदाउट वंस थिंकिंग कि मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, पुट इट ऑन पेपर, और फिर उसमें आप जो भी लिख रही होंगी आपको हर चीज की सपोर्ट में कहीं ना कहीं से आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा आपको। मैं सिंपली यही कह रही थी कि आपने फॉर इंस्टेंस देखें, हमारे जो क्लासरूम में जो डिस्कशंस हुई थी उसमें भी वो चैप्टर्स मौजूद थे जिसमें सेक्सुअलिटी पे सदफ अहमद बात कर रही थी या विजुअल प्लेजर बात कर रहा था, तो आप ये दो आर्टिकल्स तो कोट कर सकती थी ना राइट अवे, यू कुड सी के सदफ अहमद ने ये कहा, या जो विजुअल प्लेजर में लॉरा ने ये कहा। तो मैं आपको सिंपली सिर्फ यही सजेस्ट कर रही हूँ कि डू ऐड थ्योरी इन योर डिस्कशन, क्योंकि जो आपने बात की बीए पास के हवाले से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तमाम लोग वो ऑलरेडी वो चीजें कह रहे हैं,
और आज के डिस्कशन में हमने मिसोजिनी और फिलोजिनी के हवाले से भी बात की, तो आप अपने फाइनल पेपर में ये जो आपने आज बातचीत की थी इसमें आप चाहें तो मिसोजिनी और फिलोजिनी का डायमेंशन भी ऐड कर सकती हैं। और वर्किंग गर्ल्स के ऊपर जो बुक है, आई विल ट्राई कि मैं वो गूगल क्लासरूम में उसका लिंक पोस्ट कर दूँ, वो बुक डाउनलोडेबल है। तो आपको उस बुक में एक ही जगह बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जिनको इफ यू लाइक तो वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोटेशन उठा के आप यूज कर सकेंगी। ठीक है, थैंक यू।